फाइनली भाई, फाइनली जिस दिन का हम वेट कर रहे थे वो दिन आ गया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। जी हाँ भाई, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है और आई होप आपने कई सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। बट एक बात जान लो यार, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का जो ऑफिशियल वर्जन है, जो खास तौर पर इंडिया के लिए ही बनाया गया है, वो लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। ये बीटा वर्जन है, इसमें आपको काफी सारे ग्लिच देखने को मिलेंगे, काफी सारे बग जो है वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में ही ये गेम क्रैश भी हो जाए, क्योंकि बीटा वर्जन को गेम के टेस्टिंग के लिए ही बनाया जाता है, ताकि लोग पता करें कि भाई गेम में कहां कहां ग्लिच है, कहां कहां पर बग है, और लोग फीडबैक दे कंपनी को, ताकि कंपनी उन सभी चीजों को फिक्स कर दे। तो बस यहां पर आपको यही ध्यान देना है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ये जो बीटा वर्जन है, इसमें आपको अपना पुराना PUBG मोबाइल का ग्लोबल वर्जन वाला जो आईडी होगा ना, मतलब जो भी आपने पहले खेल के रखे हैं, जो भी आउटफिट या फिर जो भी गन की स्किन निकाल के रखी हुई, उन आईडी को आपको यहां पर लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि वो सारा का सारा डेटा बीटा वर्जन में ही ट्रांसफर हो जाए और लॉगिन हो जाए। इसके बाद जब बैटल ग्राउंड मोबाइल का ऑफिशियल वर्जन आए ना, तो उसके लिए आपके पास आईडी ना हो, वो आईडी उसमें लॉगिन ही ना हो, तो गड़बड़ हो सकती है। आपका आईडी फिर बीटा वर्जन में ही रजिस्टर हो जाएगा और सारा डेटा बीटा वर्जन के लिए आ जाएगा, और उसके बाद ऑफिशियल वर्जन के लिए आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा, बट होगा तो नहीं, बट ऐसा हो सकता है तो फिर आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ये जो बीटा वर्जन है ना, इसमें आप नए आईडी से लॉगिन कर ले, नए जीमेल से लॉगिन कर ले, नए फेसबुक आईडी से लॉगिन कर ले, अपना जो पुराना आईडी ना उसे लॉगिन ना करें। अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे हम इस नए बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है, बस सिंपल सा है, आपको एक टैप टैप नाम से ऐप को इंस्टॉल करना होगा। हालांकि इस ऐप के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं, हो सकता है कि ये ऐप भी आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो, तो ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल है, आपको सर्च करना है, PUBG बीटा भी लिखोगे ना तब भी आ जाएगा, या फिर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बीटा वर्जन या फिर अर्ली एक्सेस जो भी कुछ लिखोगे तो ये ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। 700 MB समथिंग इसकी साइज है, आप बड़ी आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें, ओपन करने के बाद यहां पर कुछ डाउनलोड रिसोर्सेज के लिए कहेगा, तो डाउनलोड रिसोर्सेज कंप्लीट कर लें। सब कुछ अगर डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आपको यहां पर सब कुछ देख लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देनी है, तो परमिशन भी दे दीजिए। परमिशन देने के बाद ये आपसे डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी कहेगा, तो आपको डेटा ट्रांसफर नहीं करने, आप नॉर्मल किसी भी आईडी से लॉगिन कर ले या फिर गेस्ट आईडी भी बना ले, और इसके बाद आप इस गेम को बड़ी आसानी से खेल सकते हैं। इस गेम पर एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि भाई इस गेम के ग्राफिक्स हमारे जो पुरानी वाली जो PUBG थी उसके ग्राफिक्स से कितना डिफरेंट है, कितनी अच्छी इफेक्ट हमें देखने को मिलती है वगैरह वगैरह। तो ये अभी फिलहाल प्रोसेस है कि कैसे आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गेम को इंस्टॉल करें, लॉगिन करें और थोड़ा बहुत गेम को खेलें, सेम टू सेम आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर भी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को, और बताइएगा कि भाई अभी डेटा ट्रांसफर मत कर, ऑफिशियल जब वर्जन आएगा तब डेटा ट्रांसफर कर लेना, अभी फिलहाल कोई नए आईडी से लॉगिन कर ले। और अगर आगे भी आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, नए ऐप्स के बारे में, टिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, सिंपल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।